रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच में अब भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। उधमपुर जिला की रहने वाली पारुल महाजन भी अब यूक्रेन में फंस चुकी हैं और बीते कल से परिवार का पारुल के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों ने केंद्र सरकार व JKUT प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पारुल का पता लगाया जाए कि वह किन परिस्थितियों में यूक्रेन में है और पारुल की घर वापसी की सुनिश्चित की जाए। तो रिंगी होता है ना निकाल दो फोन दे दो कोई इशू नहीं है ऐसे लग रहा है जा रही है बट इधर रिंगिंग होना चाहिए। हमारी मेरी सिस्टर से कल ही बात हुई है तो उसने ये बोला था कि इवैक्यूएशन प्लान तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन गंगा तो इसमें उनको मतलब अभी तक उनको कोई न्यूज़ नहीं है कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से उनको कोई सिर्फ ओनली रजिस्ट्रेशन दिया गया उनको रजिस्ट्रेशन करवाया गया है तो उनको मतलब कोई वो नहीं है इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है कि कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। तो वो अपने बेसिस पे वहाँ के सब स्टूडेंट्स खारकिव हॉस्टल के सब स्टूडेंट्स अपने बेसिस पे इवैक्यूएशन कर रहे हैं तो उसने ये बोला था कि शायद हम भी कुछ ग्रुप बना के निकलें और इवैक्यूएशन कर लें अपनी खुद से और लवीव की ओर जाएंगे। तो अभी तक हमें कोई वेयर अबाउट्स नहीं है कोई कुछ नहीं है हमें कोई पता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसकी वजह से घर पे भी सब वरीड है उसके लिए। और हमारी JKUT एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स को रिटर्न बैक किया जाए इंडिया में मेरी सिस्टर को भी और उसके साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सेफली रिटर्न हो जाए इंडिया में और इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपीडाइट किया जाए। बस यही अपील रहती है हमारी हम सब बहुत वरीड हैं इसको लेकर। हाँ बेटी मेरी बेटी पारुल महाजन खारकिव में फंसी हुई है वो MD फिजिशियन खारकिव रियन क्रॉजिन खारकिव यूनिवर्सिटी से मतलब MD फिजिशियन कर रही है उसका 4th ईयर है तो उसकी कल हमारे साथ बात हुई थी कोई 1-1.5 बजे के करीब तो उसने यही बोला था कि मतलब जो हमारे हॉस्टल में बच्चे फंसे हुए हैं तो वो बच्चे मतलब कि अपने बेस पे ग्रुप्स बना के लबीब की तरफ जा रहे हैं लेकिन हम अभी उधर ही बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि हम भी डिसाइड कर रहे हैं कि हम भी निकल जाएं ग्रुप बना के। तो मैंने उसको बोला था कि अगर निकलोगे तो बच्चों के साथ ही निकलना अकेले मत रहना लेकिन वो बोल रही थी कि बाई मेट्रो हमें लबीब की तरफ जाना है। अब उसका उसके बाद तो कंटेक्ट नहीं हो पाया ना कोई मैसेज हो पाया अब हमें पता नहीं है कि कहाँ पर है वो। हमारी ये सरकार से ये अपील रहेगी कि मतलब उसको जल्द से जल्द उसका पता किया जाए और उसको घर में पहुंचाया जाए और उसके साथ मतलब और भी बच्चे हैं जो इंडियन सभी बच्चों को सेफ एंड साउंड घर में पहुंचाया जाए।